भोपाल में है और आपने यशोधरा राजे को बतौर मंत्री भी देखा है। यशोधरा राजे की महल से आप और उनका कल्चर क्या है, उनका अंदाज क्या है, वो भी आप जानते हैं। यशोधरा राजे के बारे में बीजेपी के नेताओं से अगर प्रतिक्रिया दी जाए तो वो क्या कहते हैं? देखिए, यशोधरा राजे को मैंने देखा है, बतौर मंत्री भी देखा है और उनका कोई पीपुल्स कनेक्ट कम से कम ग्वालियर के लोगों से वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पीपुल्स कनेक्ट नहीं है। और एक किस्म का जो एक जैसे एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ कि बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था राज्य शासन से कि उनके नाम पे पहले श्रीमंत लिखा जाएगा जी। श्रीमंत नहीं लिखा जाता था, इसको लेकर उनको आपत्ति थी और एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ा सरकारी डायरी में, तमाम जगह श्रीमंत शब्द लिखना पड़ा। तो वो एक प्रतीक है सामंतवाद का, वो सहज नहीं रहती है जनता के साथ, वो उस तरह के सहज नेता नहीं है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता रहते हैं, शिवराज सिंह चौहान हो, नरोत्तम मिश्रा हो, जो भी हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वैसे तो नहीं है जी। ये अभी जनता को अनुभव नहीं है मध्यप्रदेश के, इवन पत्रकारों को तो उस तरह का अनुभव उनकी मध्यप्रदेश की सियासत में उस तरह का अनुभव नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं ग्वालियर चंबल संभाग का हूं और मैं प्रणाली को, वहां की कार्य प्रणाली को बहुत अच्छे से जानता हूं। और चूंकि ग्वालियर चंबल संभाग से बीडी शर्मा भी आते हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और वहां के खून में बड़ी गर्मी है और सबसे बड़ा सवाल है कि वहां का संगठन में इस वक्त जो हलचल मची हुई है वो हलचल शायद भी देश के लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का मिजाज नहीं है, वो कभी अपमान, अगर उन्होंने कहा कि वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। जयवान सिंह पवैया को ले लीजिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पवैया को ले लीजिए, प्रभात झा साहब को ले लीजिए, बिल्कुल। और ये दोनों के दोनों नाराज है, यहाँ तक कि यशोधरा राजे ने भी अपनी भारी नाराजगी व्यक्त की है और उनको पता है कि इस पूरे ऑपरेशन में नरेंद्र सिंह तोमर काफी एक्टिव रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाने के लिए, इसलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी है। तो ये नाराजगी अभी धीरे धीरे दिखाई देगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया वाकई अपमान बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये बात राहुल गांधी को भी पता है, ये बात सोनिया गांधी को भी पता है और ये बात कमलनाथ को भी पता है। इसलिए बहुत आसानी से, जिसका जिक्र अशोक वानखड़े कर रहे थे कि बहुत आसानी से दिग्विजय सिंह ने उनको पैंपर किया और इस लेवल तक पहुंचा दिया कि उन्हें कांग्रेस छोड़कर जाना पड़ा और उनके बेटे का रास्ता साफ हो गया। लेकिन ये बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी को भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का सम्मान करना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस के मंत्रियों के अंदाज आपने देखे कि वो किस स्तर का भ्रष्टाचार कर रहे थे और जिन मंत्रियों के मुंह से भ्रष्टाचार का खून लग गया हो, क्या आप उम्मीद करेंगे, जबकि ये तो वादा किया गया है कि जितने भी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक थे वो सबके सब मंत्री बीजेपी सरकार में भी बनाए जाएंगे और जब बीजेपी सरकार में बनाए जाएंगे तो क्या रेत का खेल नहीं होगा, क्या शराब का खेल नहीं होगा, क्या ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल नहीं होगा, क्या बीजेपी इस पर अंकुश लगा पाएगी और चंबल संभाग में जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगी क्या बीजेपी इस पर अंकुश लगा पाएगी और जब अंकुश लगाएगी तो उनके फिर कान में क्या मंत्र फूंका जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के कान में कि गलती हो गई, इससे अच्छा तो कांग्रेस में ही ठीक थे। सतीश जी, होगा क्या? मनोज जी, नहीं, सवाल यह है कि उनमें से कितने लोग जीत पाएंगे, उनमें से वही मैं कह रहा हूं कि कितने लोग जीत पाएंगे, ये भी स्क्रिप्ट तय हो चुकी है। अशोक जी,